नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे उत्प्रेरण। आइए देखते हैं उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरण होता क्या है। उत्प्रेरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर वर्ष आपकी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो अंक या तीन अंक। तो आइएगा देखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विशेष पदार्थ को या किसी अन्य पदार्थ को हम मिला देते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विशेष पदार्थ को या किसी अन्य पदार्थ को मिला देने पर अभिक्रिया की जो दर होती है, क्रिया करने की जो दर होती है, तीव्रता होती है, वह बढ़ जाती है और अंत तक वह विशेष पदार्थ जो होता है, जिस पदार्थ को हमने मिलाया, वह पदार्थ अपने मूल अवस्था में ही रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तो उस अभिक्रिया को कहते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अन्य विशेष पदार्थ को मिला देने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, लेकिन मिलाया गया पदार्थ स्वयं अपनी मूल अवस्था में रहता है, उसे या उस प्रक्रम को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसा कि आपको लिखा भी गया है, इसकी सामने करके आप देख सकते हैं। दूसरा चीज उत्प्रेरण, उत्प्रेरण हो गया, उत्प्रेरण के बाद में उत्प्रेरण पूछा जाता है। उत्प्रेरण के बाद में क्या, उत्प्रेरक क्या होता है? तो वह बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि कोई अभिक्रिया है और वह धीमी गति से हो रही है, कोई अभिक्रिया है वह बहुत मंद गति से हो रही है, धीमी गति से हो रही है, लेकिन उसमें कोई अन्य पदार्थ जब हम मिला देते हैं, लेकिन जब उसमें कोई अन्य पदार्थ हम मिला देते हैं, बाह्य पदार्थ मिला देते हैं, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, लेकिन स्वयं जो वह पदार्थ होता है वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में रह जाता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, यह अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, बहुत ज्यादा समय इस अभिक्रिया में लग जाता है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, तो अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है, अर्थात इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, यह उत्प्रेरक पदार्थ होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके जल तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, बहुत ही मंद गति से होती है, बहुत समय लग जाता है दोनों को आपस में क्रिया करके जल और क्लोरीन गैस को बनाने में। लेकिन इसमें जब हम क्यूप्रिक क्लोराइड को मिला देते हैं, CuCl2 को मिला देते हैं, तो यह क्रिया बहुत तीव्र गति से होने लगती है, जल्दी से क्या होता है, जल और आपका क्लोरीन बन जाता है। तो इसका आशय यह हुआ कि दोनों अभिक्रियाएं क्या है, ये दोनों अभिक्रियाएं उत्प्रेरण है, लेकिन इनमें भाग लेने वाला जो पदार्थ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्यूप्रिक क्लोराइड, ये दोनों पदार्थ क्या है, आपके उत्प्रेरक पदार्थ है, क्योंकि ये आपके बाह्य पदार्थ है। आपको बताया गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अन्य पदार्थ को डालने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, लेकिन स्वयं वह पदार्थ अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहा जाता है। दूसरा चीज आपको बताया गया कि वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात जैसे ये हुए और ये दोनों अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, अर्थात ये दोनों पदार्थ क्या है, उत्प्रेरक पदार्थ है। आइए उत्प्रेरक के प्रकार में देखते हैं। पहला चीज आपको बताया जा रहा है भौतिक प्रवस्था के आधार पर, ये पदार्थों की हम प्रवस्था है, द्रव ठोस गैस होते हैं, आप जानते हैं कि पदार्थों की भौतिक प्रवस्था है, तीन मुख्य रूप से क्या होती है, ठोस द्रव गैस होती है। उस प्रवस्था के या अवस्था के आधार पर देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका समांगी उत्प्रेरण होता है और दूसरा क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण होता है। तो पहले आइए देखते हैं समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ का मतलब यह होता है जो क्रियाकारी पदार्थ होता है, क्रिया करने वाला पदार्थ होता है, अर्थात जो आप देखते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है उसके बाएं तरफ जो पदार्थ लिखा जाता है उसे हम अभिकारक पदार्थ कहते हैं। अभिकारक पदार्थ और उसमें जो उत्प्रेरक
बढ़ेगा, वह उत्प्रेरक पदार्थ और अभिकारक पदार्थ दोनों की प्रवस्थाएं अर्थात अवस्थाएं एक जैसी हो। अर्थात द्रव है तो अभिकारक भी द्रव होना चाहिए, उत्प्रेरक भी द्रव होना चाहिए। अगर ठोस है तो अभिकारक भी ठोस होना चाहिए और उत्प्रेरक भी ठोस होना चाहिए। यदि आपका गैस है तो अभिकारक भी गैस है और उत्प्रेरक भी गैस है। तब के लिए देखना आपको कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं समान होगी, जैसे हमने बताया कि आपका अभिकारक भी गैस हुआ, उत्प्रेरक भी गैस हुआ, अभिकारक भी ठोस हुआ, उत्प्रेरक भी ठोस हुआ, अभिकारक भी द्रव हुआ, उत्प्रेरक भी ठोस हुआ, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इसमें लिया गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी गैस है। तो देखिएगा, अभिकारक पदार्थ ये हुआ, उत्प्रेरक पदार्थ ये हुआ, दोनों के क्या है प्रवस्थाएं समान हो रही है। अब यहां पर बना आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात यह क्रिया क्या है? समांगी उत्प्रेरण है। दूसरा चीज यहां देखिए, आपको लिया क्या गया? एथिल एसीटेट लिया गया और जल दिया गया, ये भी आपका द्रव है, एथिल एसीटेट द्रव है और ये भी क्या है आपका द्रव है। और यहाँ उत्प्रेरक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया, ये भी द्रव है। तो यहाँ भी देख रहे हैं अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं क्या है? समान हो रही है, अर्थात ये भी क्रिया क्या है? समांगी उत्प्रेरण है। और ये दूसरा देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, इसी का उल्टा कर देखते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं क्या होती है? भिन्न हो जाती है। कहने का मतलब यह है, अभिकारक यदि आपका द्रव हो रहा है तो उत्प्रेरक ठोस या गैस हो जाए, यदि अभिकारक गैस हो रहा है तो उत्प्रेरक आपका ठोस या द्रव हो जाए, यदि अभिकारक आपका ठोस हो रहा है तो उत्प्रेरक आपका गैस या द्रव हो जाए, अर्थात भिन्न प्रवस्थाएं हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहां देखिए, हाइड्रोजन लिया गया, ये आपका क्या है? गैस। ऑक्सीजन आपका क्या है? गैस है। लेकिन लेकिन अब धातु में ये क्या है आपका? ठोस है। क्या देखिए, अभिकारक गैस हो रहा है लेकिन उत्प्रेरक क्या हो रहा है? ठोस हो रहा है, अर्थात ये क्या हुआ? विषमांगी उत्प्रेरक हो ना, क्योंकि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं क्या हो गई? भिन्न हो जा रही है। यहाँ देखिएगा, नाइट्रोजन आपका क्या है? गैस है। हाइड्रोजन आपका क्या है? गैस है। लेकिन ये फेरस लोह क्या है? ठोस है। तो यहाँ भी देखिए, ये आपके गैसीय अवस्था में है और ये आपका ठोस अवस्था में है, तो उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की प्रवस्थाएं क्या हो गई? भिन्न हो गई, अर्थात ये कौन सी क्रिया होगी? विषमांगी उत्प्रेरण होगा।